यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हुई है। चार जिलों में हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा में रात भर शवों का पोस्टमार्टम हुआ। परिजन अपनों की लाश को लेकर इधर उधर भटकते रहे। प्रशासन ने अब तक 121 मौतें पुष्टि की हैं। हादसा मंगलवार दोपहर 1 बजे फुलरई गांव में हुआ। बुधवार सुबह 11:30 बजे सीएम योगी भी हाथरस पहुंचे। जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की, घटनास्थल गए, अफसरों से पूछे, पूरे हादसे की जानकारी ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, यह हादसा साजिश जैसा है, लोग मरते गए, सेवादार वहां से भाग गए। उन्होंने न तो प्रशासन को सूचना दी और न ही मदद की। प्रशासन की टीम जब पहुंची तो सेवादारों ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। हमने भी कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए, लेकिन ऐसी चीजें नहीं हुई थी। सीएम ने कहा, जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, पुलिस के सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर की टीम भी मामले की जांच करेगी। जो भी दोषी होगा उसको सजा देंगे। हाथरस हादसे में प्रशासन की पहली रिपोर्ट सामने आई, उसमें कहा गया कि हादसा भोले बाबा के चरणों की धूल लेने की वजह से हुआ। बाबा सेवादारों से लोगों से धक्का मुक्की की, इसमें भगदड़ मच गई। इधर प्रयागराज के वकील गौरव द्विवेदी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीआईएल दायर करके हादसे की सीबीआई जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने एक पीआईएल दाखिल की। इसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर जांच की मांग की गई है। मंगलवार देर हादसे में 22 लोगों के खिलाफ सिकंदराऊ थाने के दारोगा ने FIR दर्ज कराई। इसमें मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का नाम है, बाकी सब अज्ञात है। चौंकाने वाली बात है कि इसमें मुख्य आरोपी भोले बाबा उर्फ हरि नारायण शाकार का नाम ही नहीं है। हादसे के बाद से ये बाबा अंडरग्राउंड हो गया। पुलिस रात भर उनकी तलाश में छापेमारी करती रही। मौनपुरी में बाबा के आश्रम में पहुंची, लेकिन वह नहीं मिला। मैनपुरी में आश्रम के बाहर पुलिस तैनात है। 80,000 की परमिशन पहुंचे गए 2.5 लाख। FIR के मुताबिक प्रशासन ने सत्संग के लिए 80,000 लोगों को अनुमति दे दी थी, लेकिन 2.5 लाख लोग पहुंच गए थे। भगदड़ हुई तो सेवादार गेट पर खड़े हो गए, उन्होंने लोगों को रोक दिया। इसके बाद भीड़ खेतों में तरफ मुड़ गई और नीचे बैठे और झुके श्रद्धालुओं को कुचलती भी निकल गई। प्रशासन और सेवादार खड़े होकर देखते रहे, कौन है भोले बाबा? भोले बाबा का असली नाम सूरज पाल है। वह एटा का रहने वाला है। करीब 25 साल से सत्संग कर रहा है। पश्चिमी यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा में भी अनुयायी है।